वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी, वो भी सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें हमने न ही मैदा का यूज़ लिया है, न ही बटर का, न ही क्रीम का। बिना इसके हम आज व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे। तो चलिए व्हिप्ड क्रीम बनाना हम शुरू करते हैं। व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून घी। तो ये मैंने एकदम जो है जमा हुआ घी लिया है, इस तरह का हमें घी चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का घी नहीं है तो फ्रिज में रख कर इसको इस तरह का जमा लें। अब जितना घी लिया है उतनी ही हम लेंगे पीसी हुई शक्कर। तो इसमें हम अब ऐड करेंगे शक्कर, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कांच का बाउल लिया है, आप कोई सा भी बाउल ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको व्हिप्ड क्रीम बनाना बता रही हूँ, बिल्कुल घर के सामान से ही, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 5 मिनट में मैं आज आपको बनाना बताऊँगी। अब इसको हिलाने के लिए हमें कोई इलेक्ट्रिक मशीन की आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह का हमें चाहिएगा विस्कर। यदि विस्कर आपके पास नहीं है तो आप चम्मच से भी इसको फेर सकते हैं। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह हम इसको चलाते जाएंगे, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुरुआत में हमें धीरे धीरे चलाना है, बाद में हम स्पीड को बढ़ाएंगे। जब तक ये फ्लफी नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है। अभी मुझे इसको चलाए हुए 1 मिनट की वह है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रीमी बनने लग गया है। ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, आप चम्मच से भी इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से करिए। आप देख सकते हैं चलाते चलाते जो है इस पर एक पीक बनने लग गई है। इस तरह अभी हमें इसको और चलाना है ताकि ये अच्छा हल्का और फ्लफी बन जाए। केक बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब बात आती है उस पर आइसिंग करने की तो वो हमसे हो नहीं पाती है। बहुत सी बार हम व्हिप्ड क्रीम करके भी करते हैं लेकिन क्रीम भी जो है परफेक्ट नहीं बन पाती है। लेकिन यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस पर आइसिंग कर सकेंगे। केक भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है यदि आइसिंग अच्छी तरह से की हुई हो तो। तो इस तरीके से जो है आप व्हिप्ड करके इसको आइसक्रीम कर सकते हैं। आपने क्रीम रोल तो खाए होंगे, क्रीम रोल की जो क्रीम होती ना, बिल्कुल उसी तरह का इसमें टेस्ट आएगा। कोई फर्क ही नहीं कर पाएगा कि ये हमने मलाई से इसकी क्रीम बनाई है या फिर हमने घी शक्कर से बनाई है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ये देखे 5 मिनट भी अभी नहीं हुए, खूब अच्छी क्रीम जो है हमारी बनने लग गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्रीम हमारी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी क्रीमी क्रीम हमारी बनी है। कोई नहीं कह सकता कि ये हमने जो है क्रीम से इसको व्हिप्ड नहीं किया है, बिल्कुल उसी तरह की ये लग रही है। जितना हम इसको फेटेंगे उतना ही इसका रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। तो क्रीम हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम जो है इसकी आइसिंग करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइसिंग करके भी दिखाऊंगी। केक पर आइसिंग करने के लिए इस तरह का हम पाइपिंग बैग भी ले सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप थैली से भी आइसिंग कर सकते हैं। इस तरह की जो प्लास्टिक पन्नी आती है उसको मैंने कोन के जैसे बना लिया है। नोजल तो सबके पास मिल ही जाती है, तो ये नोजल हम प्लास्टिक पन्नी में डालेंगे। तो इसमें अब हम डाल देते हैं, जैसे मेहंदी का कोन बनाते हैं ना सेलो टेप लगा के, बिल्कुल उसी तरह का मैंने बनाया है। आगे से इसको हम कट कर देंगे, थोड़ा सा हम इसको कट कर देते हैं। तो इसमें अब हम फील करेंगे। तो एक गिलास लिया है, गिलास पे इस तरह जो हमने कोन बनाया ना वो इस तरह हम रख देंगे ताकि भरने में आसानी हो। और जो क्रीम हमने बनाई है वो इसमें अब हम डाल देते हैं और हल्का सा हम इसको टेप करेंगे ताकि क्रीम अंदर तक चली जाए। अब इसको हम इस तरह उठाएंगे और इसको नीचे की ओर प्रेस करते हुए ले जाएंगे, जैसे मेहंदी का कोन भरते हैं ना, बस बिल्कुल उसी तरीके से ही है। देखिए अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी व्हिप्ड क्रीम हमारी बनकर तैयार हुई, आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक और अपन कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से कितनी अच्छी है, कोई नहीं ये कह सकता कि ये क्रीम जो है हमने नहीं बनाई है। इस तरह देखिए मैंने इसको भी कर दिया है, बहुत ही अच्छी डिजाइन हमारी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और आप झाककर ये वाली व्हिप्ड क्रीम बनाइए और बताइए कि आपने जो ये व्हिप्ड क्रीम बनाई वो कैसी बनी।
यदि सही बनी तो फिर आप आके मेरे वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। और यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।